उत्तर प्रदेश में आज कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में रीता बहुगुणा आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इस दौरान रीता ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद से लड़ने का बीड़ा उठाया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार और सेना का साथ देने की बजाय आलोचना करने में लगी है। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस खून की दलाली जैसे बयान दे रही है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने सबक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि करीब 24 वर्ष मैंने कांग्रेस में गुजारे, बीच में कुछ समय जरूर एसपी में रही। बीजेपी में आने का फैसला मैंने काफी सोच समझ कर लिया है, मेरे लिए यह फैसला आसान नहीं था। रीता के मुताबिक जनता के बीच कांग्रेस की साख खत्म हो गई है। कांग्रेस को प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि हमारी पार्टी के बड़े नेता राहुल के नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा जो बात निकल कर आ रही है वह यह है कि शीला दीक्षित को कांग्रेस का सीएम उम्मीदवार पेश करने के कांग्रेस के निर्णय को लेकर वो नाखुश थी और राज बब्बर को उत्तर प्रदेश पार्टी प्रमुख बनाए जाने के बाद वह स्वयं को और अधिक उपेक्षित महसूस कर रही थी और यही वजह है कि रीता बहुगुणा ने यह फैसला लिया। रीता बहुगुणा जोशी ब्राह्मण समुदाय से हैं और पार्टी के ब्राह्मण चेहरों में सबसे आगे हैं। उनका एक जन आधार है। रीता बहुगुणा का नाता सियासी परिवार से है। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी हैं। रीता जोशी 5 साल तक इलाहाबाद की मेयर भी रही हैं। समाजवादी पार्टी के सहारे वो सक्रिय राजनीति में उतरी थी। चुनाव जीतने के बाद रीता ने सपा छोड़ दी थी और कांग्रेस का दामन थाम लिया था। रीता बहुगुणा जोशी 2007 से 2012 तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी हैं। वह एक जमीनी नेता के रूप में जानी जाती हैं। यूपी में उन्होंने जनता से जुड़े अनेक मुद्दों पर सड़क पर संघर्ष किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही रीता ने 2014 में लखनऊ से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गई थी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीती भी, लेकिन अब उन्होंने विधायक पद से भी इस्तीफा दे दिया है। रीता जोशी के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब इस बार के चुनाव में ब्राह्मण कार्ड काफी अहम हो गया है। अभी तक कांग्रेस शीला दीक्षित के चेहरे के दम पर ब्राह्मणों को लुभाने में जुटी थी, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ब्राह्मण चेहरा नहीं था, लेकिन अब बीजेपी ने भी रीता बहुगुणा जोशी को अपने पाले में करके ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। आपको बता दें कि यूपी में 12 से 14% ब्राह्मण है। अभी तक ब्राह्मण कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन 2014 में बीजेपी और बीएसपी के खाते में ब्राह्मण वोट बैंक गया था और यही वजह है कि बीजेपी अपने वोट बैंक को बनाए रखना चाहती है और इसीलिए अब बीजेपी ने रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी से जोड़ लिया है। उत्तर प्रदेश में सत्ता का वनवास खत्म होने के सपने संजो रही कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है। हालांकि कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मैदान में उतारकर रीता को पहले ही हाशिए पर डाल दिया था। अब रीता बहुगुणा का कार्ड बीजेपी के लिए कितना काम आता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।